बिल्ली बनी चुड़ैल। उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर, इसी शहर के नारायणपुर मोहल्ले में रजत ने 15 दिन पहले अपना नया घर खरीदा था। उसका ये घर बहुत ही सुनसान इलाके में था, लेकिन रजत को शांति पसंद थी तो उसने तुरंत इस घर को खरीदने के लिए हामी भर दी थी। रजत के पापा बचपन में ही गुजर गए थे, अभी उसके साथ उसकी पत्नी सुधा, बेटा रोहित और उसकी माँ रहते थे। वो सभी खुशी खुशी नए घर में रह रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक उनकी खुशी को नजर लग गई। क्या दादी, आप भी ना, जब देखो मुझे वही राजा रानी की कहानी सुनाती रहती हैं। मुझे नहीं सुननी आपकी ये पकाऊ कहानी। तो क्या सुनाऊं तुझे? आपको भूत की कहानी नहीं आती क्या? मुझे भूतों की कहानी बहुत पसंद है। रात को सुसू जाना हो तो दादी के बिना जा नहीं सकते, और भूतों की कहानी सुनने का मन करता है। तो आपको क्या लगता है, मैं डरपोक हूँ? अरे मैंने ऐसा कब कहा? आपका मतलब तो यही था। देखना, आज से मैं आपको सुसु के लिए नहीं जगाऊंगा, खुद ही चला जाऊंगा। अरे तू तो गुस्सा हो गया मेरा बहादुर बच्चा, अपनी दादी से भी कोई गुस्सा होता है क्या? अरे ये खिड़की कैसे खुली रह गई? ए बदमाश बिल्ली, तुमने मेरे बहादुर पोते को डरा दिया। चल भाग यहाँ से, चल हट हट। बड़ी ढीठ बिल्ली थी। चलो अब तुम सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है ना, मुझे भी नींद आ रही है। ओए बिल्ली, तुझे क्या लगता है मैं तुमसे डरता हूँ? रुक, तुझे बताता हूँ। रोहित रोहित उठ बेटा, स्कूल नहीं जाना है क्या? उठ ना रोहित। रोहित, अरे रोहित कहाँ गया? आज मुझसे पहले जाग गया क्या? जरा देखूं तो। क्या हुआ माँ जी, रोहित नहीं जगा क्या? वो बिस्तर पर तो नहीं है बहू। सभी लोग भागकर छत पर पहुँचे, वहाँ देखा तो रोहित बेहोश पड़ा है। एक और बात जो सबने नोटिस की वो थी रोहित के कपड़े। रोहित ने लड़कियों वाले कपड़े पहन रखे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या है। वो रोहित को नीचे ले आए, उसे डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने कहा चिंता की कोई बात नहीं है, लगता है बच्चा नींद में चलते चलते छत पर पहुंच गया होगा। बेहोशी का कारण जानने के लिए डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे जो रजत ने तुरंत करवा लिए। टेस्ट में कोई भी गंभीर बात सामने नहीं आई, ये सबके लिए राहत की बात थी। लेकिन क्या ये सच में राहत की बात थी, या अभी कुछ और होने वाला था जो इस पूरे परिवार पर आफत बनकर टूटने वाला था। आधी रात का समय, घर में सभी सोए हुए हैं, लेकिन रोहित को नींद नहीं आ रही है। वो बिस्तर पर करवटें बदल रहा है, तभी खिड़की पर वही बिल्ली दिखाई देती है। इस बार बिल्ली को देखकर वो डरता नहीं है, ना ही बिल्ली उसे देखकर गुर्राती है। वो चुपचाप बिस्तर से उतरता है और बिल्ली के पीछे पीछे जाता है। बिल्ली छत पर जा रही है, वो भी उसके पीछे जा रहा है। छत के कोने में बिल्ली जाकर रुक जाती है, रोहित भी वहीं रुक जाता है। अचानक से वो बिल्ली एक लड़की में बदल जाती है। रोहित, तूने मेरे बारे में किसी को बताया नहीं ना? अरे नहीं नहीं, मैं क्यों बताऊंगा? बिल्कुल मत बताना, नहीं तो वो मुझे मार देंगे। तुम्हें कोई नहीं मारेगा। अच्छा मेरी दोस्त, क्या तू आज भी मुझे भूत वाली कहानी सुनाएगी ना? बिल्कुल, मुझे सिर्फ भूतों की कहानी ही आती है, जिंदा लोग मुझे अच्छे नहीं लगते, वो बहुत बुरे होते हैं। लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। तू भी मर जाएगा, इस महीने की 17 तारीख को सभी मर जाएंगे। सभी मर जाएंगे। रोहित रोहित, अरे लगता है सब जाग गए हैं। रोहित, वो तुझे ढूंढ रहे हैं, मुझे जाना होगा, जल्दी जाना होगा। अरे रुको ना मेरी दोस्त, कहानी तो सुनाओ। आज नहीं, हाँ याद रखना, मेरे बारे में किसी को मत बताना, भूल से भी नहीं। उस रात घर में कोई नहीं सोया, सभी रोहित की हालत देखकर डर गए थे। जब वो छत पर पहुंचे तो रोहित उसी दिन की तरह बेसुध पड़ा था। उसके कपड़े भी वो नहीं थे जो वो रात को पहनकर सोया था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रोहित जब जागा तो सबने उससे पूछने की कोशिश की कि वो छत पर कैसे आया।
लेकिन रोहित ने किसी की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। अब रोहित पूरा दिन खोया खोया रहता। कभी कभी लगता कि वो दिन में किसी से बात कर रहा है, लेकिन जब लोग उसके पास जाते तो देखते कि वहां तो कोई नहीं है। रोहित दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा था। डॉक्टर की दवाई भी कोई काम नहीं आ रही थी। बेटा, मुझे लगता है कि इस घर में कोई मनहूस साया है और ये सब उसी की वजह से हो रहा है। क्या माँ, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? इंसान चांद पर पहुंच गया और आप? सुनो जी, आप रखो अपनी चांद वाली बात अपने पास। मुझे तो दिख रहा है मेरा बेटा तकलीफ में है और आपका कोई डॉक्टर कोई दवाई उसे ठीक नहीं कर पा रही है। मेरी मानो तो हम ये घर बेच देते हैं। अरे ऐसे कैसे बेच दे? मेरा मतलब है कोई दूसरा मकान मिले तब तो। अब कोई बैठा तो नहीं है हमारे लिए कि आइए भाई साहब, आपके यहाँ मनहूस सा आया है, हम आपका घर खरीद लेते हैं, हमारे पास एक नया घर है, उसे खरीद लीजिए। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। बहू, मकान बेचने की नौबत नहीं आएगी। मैंने गुरु जी को बुलाया है, अब वो ही इस समस्या से हमें मुक्ति दिलाएंगे। तुम्हें तो पता है ना वो कितने पहुँचे हुए हैं। गुरु जी सच में बहुत पहुँचे हुए थे। उन्होंने घर में घुसते हुए वहाँ सूंघ लिया था कि उस घर में चुड़ैल का साया है। उन्होंने सभी को एक एक ताबीज हाथ में बांधने को दिया। सभी ने वो ताबीज बांध ली, लेकिन रोहित ने चोरी से वो ताबीज उतार दी जो गुरु जी ने देख लिया था। ये 17 तारीख की बात है। आधी रात को घर में सभी सोने का नाटक कर रहे थे। रोहित उनके सोने का ही इंतजार कर रहा था। उस रात भी वही हुआ जो पिछले कई दिनों से हो रहा था। वो बिल्ली आई, रोहित उसके पीछे पीछे छत पर चल पड़ा। लेकिन आज सिर्फ रजत ही बिल्ली के पीछे पीछे नहीं जा रहा था, बल्कि दादी, रजत और सुधा भी थे। गुरुजी पहले से ही छत पर छिपे बैठे थे। फिर वही होता है, छत पर बिल्ली एक बच्ची में बदल जाती है। ये देखकर गुरुजी को छोड़कर सभी डर जाते हैं। रोहित, तू आज मुक्त हो जाएगा, आज से तू भी अच्छा हो जाएगा। जिंदा लोग बहुत बुरे होते हैं, लालची होते हैं, इसलिए आज मैं तुझे अच्छा बनाऊंगी, आज तू हो जाएगा मुक्त। आज तू हो जाएगा मुक्त। तभी गुरुजी उसे मारते हैं। छोड़, तू बच्चे को छोड़, नहीं तो मैं तुझे पल में खत्म कर दूंगा। तू मुझे खत्म करेगा? मुझे? इतनी हिम्मत, रुक अभी। वो बच्चे को छोड़कर गुरुजी पर झपटती है, लेकिन गुरुजी पीछे हटते हैं और मंत्र पढ़ते हुए उसके ऊपर कोई चीज फेंकते हैं। तुम भी लगता है मेरे पापा के उसी दोस्त अशोक के आदमी हो जिसने मेरे पूरे परिवार को इस मकान के लालच में मार डाला था। मेरे पापा को, माँ को और तो और उन जल्लादों ने मुझे भी नहीं छोड़ा था। मात्र 7 साल की मैं छोटी सी बच्ची, कमजोर बच्ची, लेकिन उन्होंने किसी पर दया नहीं की। सभी को मारकर इस मकान के पीछे वाले पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। कितना रोई थी मैं, लेकिन मकान के लालच ने उसे अंधा कर दिया था। नहीं छोड़ूंगी मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी। अरे, एक की गलती की सजा तुम सबको दोगी? उस अशोक का पता है ना कितना बुरा हाल हुआ जिसने तुम लोगों के साथ ये किया था। उस दिन ही उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी 900 फीट गहरी खाई में गिर गई, उसकी बॉडी तक नहीं मिली। मैंने ही किया था ये सब, पहले उसे मारा, फिर उसके परिवार को भी। हर लालची का अंजाम ऐसा ही होना चाहिए। तुम लोगों का अंजाम भी ऐसा ही होगा। तुम लोग मेरा घर लेने आए हो, नहीं दूंगी मैं किसी को अपना घर। फिर रोहित को पकड़कर उसका गला दबाने लगती है। रोहित चीखता है, तभी गुरुजी उसके पास आते हैं और मंत्र बुदबुदाकर जल उसके ऊपर डालते हैं। धीरे धीरे उसका आकार घटने लगता है। वो औरत से बच्ची बनती है और फिर बिल्ली, और फिर तड़प तड़प कर वही छत पर मर जाती है। इस घटना के बाद गुरुजी ने पीपल के पेड़ के नीचे की खुदाई करवाई और उन सबका विधि विधान से अंतिम संस्कार कराया। उस दिन के बाद से वहाँ कोई भी बुरी घटना नहीं घटी। आज इस घटना को बीते 3 साल हो गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कल की ही बात है। लेकिन एक चीज जो नहीं बदली है वो है रोहित की जिद।
वो आज भी अपनी दादी से बिना कहानी सुने सोता नहीं है। भूतों वाली नहीं, राजा रानी वाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।